तो आज की क्लास में हम बीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जूम पे हैं आदर्श जी। आदर्श जी, हमने लास्ट क्लास में बात की थी एक्सेल की फंडामेंटल के बारे में, आज हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो के फीचर्स के बारे में। जो माइक्रो है, रिकॉर्डिंग माइक्रो को कैसे यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग माइक्रो हमने बताया था कि डेवलपर टाइप के अंदर या व्यू मेनू बार के अंदर रिकॉर्डिंग का एक फीचर है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर माइक्रो इट मीन्स रिकॉर्डिंग माइक्रो, और जो हम कोड करते हैं उसको वीवीए करते हैं, क्योंकि दोनों गलत है। रिकॉर्डिंग माइक्रो एंड कोड की एंड कोडिंग माइक्रो दोनों माइक्रो ही कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक किया एंड ओके किया, और मान लीजिए मैं D1 को क्लिक करके इस पर हमने नेम लिख दिया। हाँ, क्लास है। आज के 15 आया हुआ है, कल वाला नहीं चालू कर गया। क्लास के बाद बात करते हैं। तो नेम हमने टाइप कर दिया, ठीक है। अब मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ और इसकी कोडिंग में जाता हूँ। यहाँ पे हम एडिट पे गए तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास कोड आ गया। अब इसी चीज़ को हम खुद से भी लिख सकते हैं कि हमने RR दे दिया और यहाँ पे टाइप कर दिया कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नेम। तो दोनों हमने क्या किया, VBA का इस्तेमाल किया। ये भी VBA प्रोग्रामिंग है और इसको भी VBA प्रोग्रामिंग है। ये दोनों का काम क्या है, नेम को टाइप करना T1 पे। तो यहाँ डेवलपर में जाते हैं माइक्रोज में, माइक्रो वन को लोड करते हैं, D1 पे लिख दिया, और मेरा जो बंदे RR माइक्रो बनाया उसको रन किया तो नेम पे कर दिया। तो दोनों का काम वही है और दोनों ने माइक्रो ही बनाया है और VBA लैंग्वेज को ही यूज किया है। तो माइक्रो एक फीचर है जो आपकी माउस और कीबोर्ड एक्शन को कोड में कन्वर्ट कर देता है। आपके माउस और कीबोर्ड एक्शन को कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। समझ गए। अब एक क्वेश्चन आता है आदर्श जी, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जो पूछना है। एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चे पूछते हैं कि सर जब रिकॉर्डिंग हुई तो उसने 3 लाइन का कोड बनाया, बट आपने इसको 1 लाइन का कोड बनाया, ठीक है आदर जी। तो यहां ऐसा इसलिए हुआ कि रिकॉर्डिंग माइक्रो ने ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज किया और हमने अपने। सेम उसी तरह कि आपको अगर बॉस से छुट्टी लेनी है तो आप बॉस के केबिन में जाके थोड़े बोलेंगे श्रीमान महोदय, प्रबंधक महोदय नहीं, श्रीमान सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, फलाना कंपनी न्यू दिल्ली, सविनय निवेदन है क्या, ऐसे बोलेंगे हिंदी चाहे इंग्लिश में। वहां पे तो आप जाके बोलेंगे बस कल छुट्टी चाहिए, बस बोले ठीक ओके। तो ये सेम चीज है, जब हम रिकॉर्ड जब हम खुद कोड करते हैं तो जो जरूरी का कोड है उसी को हम यूज करते हैं, और जो फालतू स्टेप्स जो होते हैं, जो अननेसेसरी स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे सेम आप जाके बॉस को नहीं बोलेंगे सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, फलाना कंपनी, फलाना सिटी, सेवा में श्रीमान विषय वगैरह थोड़े देखिए बोलिएगा, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं होता है। लेकिन इसी चीज को अगर राइटन में देना हो, रिटन में देना हो, बॉस ने बोला ठीक है एप्लीकेशन दे दे, तो आप एप्लीकेशन पे थोड़ी एक लाइन लिखेंगे कि बॉस कल छुट्टी चाहिए। जब एप्लीकेशन लिखने की बात आएगी तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करेंगे ना। सेम उसी तरह से रिकॉर्डिंग माइक्रो ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करती है, इसलिए फर्क होता है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन खत्म हो गई कि रिकॉर्डिंग माइक्रो और वीवीए द्वारा कोड माइक्रो बोथ आर द सेम, बस रिकॉर्डिंग माइक्रो एक फीचर है जो आपके बिहाफ पे कोडिंग कर देता है, राइट। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है,
बेनिफिट क्या है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैक्रो को हम दो तरह से यूज करते हैं। अभी आप जैसे लर्निंग पीरियड में है तो अभी आप जो है इसको एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एज ए डिक्शनरी। जैसे मान लीजिए मुझे कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करने का कोड नहीं पता, पता है तो कंफ्यूजन है, समझ में आ रहा है कहीं गलती कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, ओके, एंड किसी एक जगह को कॉपी करेंगे, दूसरे जगह पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, फिर मैक्रो स्टॉप करते हैं, मैक्रोज में जाते हैं, मैक्रोज को सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करते हैं, उसका कोड आता है। आप समझ ले कि a3.select selection.copy a4h4.select selection.paste special और paste में आपने वैल्यू को सिलेक्ट किया है। अब इस लाइन को यूज करोगे, सिलेक्शन की जगह पे अपना रेंज इस्तेमाल कर लो, राइट? समझ में आया सर आपको? आदर्श जी, हाँ सर, देखो समझ गया। अब इसमें दूसरा आता है बात कि अगर मान लीजिए कि आप सीख गए, यू बिकम द एक्सपर्ट, तो क्या रिकॉर्डिंग माइक को यूज नहीं करेंगे? जैसे मैं क्या रिकॉर्डिंग माइक को यूज नहीं करता? देखिए, मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज करता हूँ कोड को करने से बचने के लिए। अब इस चीज को समझाने के लिए मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल यूज करना। आपके सामने मैंने एक डेटा लिया हुआ है, डेटा थोड़ा लंबा भी है, तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करो। एक डंप डेटा है मेरे पास, जो कि आप देख पा रहे हैं कि एक मेरे पास डंप डेटा है। अब मुझे ये डेटा सबको नहीं भेजना है, ये डेटा उसी को भेजना है जिसको जरूरत है। जैसे किसी ने फोन किया, पूजा ने फोन किया कि मेरा डेटा दे दो, तो मैं फिल्टर लगा के पूजा का डेटा फिर दे दूंगा। तो मैं चाहता हूं एक ऐसा माइक्रो बनाना कि जैसे मैं इसको रन करूं, रन करते ही मुझसे पूछे नेम, मुझसे क्या पूछे? नेम पूछे। मैं उस नेम को दूं, देते ही उस सिटी का डेटा कॉपी कर एक नई शीट में वैल्यू पेस्ट मार देगा और उसको एक नई फाइल बना देगा। तो प्रॉब्लम समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है आदर जी? देखिए, कोई प्रोग्रामिंग बनाने से पहले आपकी रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि कहावत है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता नहीं होगा तो फिर आपका आविष्कार भी नहीं होगा, इसलिए आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि चलिए हम रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं। माइक्रो में यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे गए, नाम दे दीजिए, नाम मैंने दे दिया गेट डेटा। अदर जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, कुछ पूछ रहा हूँ तो अनम्यूट कर लीजिए। गेट डेटा शॉर्टकट देना है, शॉर्टकट दीजिए, देन ओके। अब मैंने रिकॉर्डिंग माइक्रो ऑन कर दिया है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अननेसेसरी क्लिक नहीं करेंगे, स्क्रॉल नहीं करेंगे, किसी फालतू सीट पे नहीं जाएंगे, मतलब कि सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि तो जो भी आप अननेसेसरी यूज करोगे सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाए, इसलिए आप जो है अननेसेसरी चीजों पे क्लिक वगैरह नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ A1 पे क्लिक किया, सबसे पहले फिल्टर लगाया, देन पूजा यहाँ पे गया, पूजा पे गए, और यहाँ पे मैं यहाँ से अजित ले लिया, देन ओके, फिर वापस इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। अब इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल जी करता हूँ, स्पेशल और स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, मतलब कि इसमें विजिबल सेल्स दे रहा हूँ। फिर मैंने कॉपी किया, अब मेरे पास ऑलरेडी 2-3 सीट ब्लैंक है, फिर मैं इसको यूज नहीं करूंगा, नई सीट लूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास सीट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम थोड़ी होगा, हमेशा थोड़ी होगा। सो हमने प्लस पे क्लिक करके एक नई सीट बनाई, यहाँ पे पेस्ट किया, फिर इसका नाम मैंने अजीत रखा,
और फिर राइट क्लिक मूव एंड कॉपी क्रिएट कॉपी और एक नई वर्कबुक पे मूव कर दिया। इसको सेव अजीत के नाम से यहाँ एक्सेलस में और एक लोकेशन चूज कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने ई कर दिया, ई में सेव कर दिया और देन इसको क्लोज किया। यहाँ पे आए और इसको कंट्रोल शिफ्ट एल करके हटा दिया और अजीत सी को भी डिलीट कर देते हैं। हाँ मैं अभी फिलहाल एक मिनट स्टॉप कर देता हूँ। अजीत सी को मैंने मूव को क्रिएट कॉपी कर दिया था, मुझे जस्ट मूव करना चाहिए था। ओके अब मैं वापस आता हूँ मैक्रो में और यहाँ गेट डेटा पे और एक कोड रन। अब एक कोड रन नहीं करेगा, इसमें कई सारे जगहों पे हमने गलती की हुई है। अब चलिए जो कोई कई सारे जगहों के कोड डायनेमिक नहीं है तो एक बार इसको डायनेमिक करते हैं। A1 डॉट सिलेक्ट सही है, सिलेक्शन ऑटो फिल्टर। अब यहाँ पे दो दो बार फिल्टर लगाया लगा दिख रहा है सर। अब जैसे कि हम एक बार फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर लगता है, वापस लगाते हैं तो फिल्टर हट जाता है ना, ये ऑटो बिल्कुल फिल्टर हटा देते। दूसरा हमने जो फिल्टर लगाया था तो जस्ट A1 पे कर्सर रख के फिल्टर लगा दिया था, पर इसने एक रेंज पकड़ लिया। इसका मतलब है कि A1 पे भी फिल्टर लगाया जा सकता है। तो रेंज हटा दिया मैंने, ऑटो फिल्टर अजीत हो गया, A1 सेलेक्ट यह हो गया, सिलेक्शन डॉट कॉपी सीट आफ्टर पेस्ट हुआ, एक्टिव पेस्ट सीट 4 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, जब भी नई सीट ऐड होगी ना, यहाँ से मैंने ऐड किया तो सीट 4 होगा, उसकी गारंटी थोड़ी है, तो सीट 6 भी हो सकता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं एक्टिव सीट लिया हुआ है, मतलब कि जो सीट ऐड होती हुई एक्टिव होती है। सीट 4 को हटा के एक्टिव सीट कर देते हैं, जहां जहां पे अजीत या एक्टिव सीट है वहां पे। अब यहाँ अजीत है, अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की थी, कॉपी कर दिया था, मैं कॉपी को मूव कर देता हूँ और जो सी डायरेक्टली है उसको हटा देता हूँ। अब ये हमारा एक अलग फाइल में सेव हो गया, डेटा पे आया वो हटा दिया। ठीक है, तो अब मैंने कुछ कोड्स को डिलीट किया, अब मेरा एक कोड वर्क करेगा लेकिन हर बार वो अजीत को ही फिल्टर करेगा, समझ गए? सिर्फ बिल्कुल किसको फिल्टर करेगा? अजीत को फिल्टर करेगा। मैं चाहता तो हूँ मुझसे पूछे तो यहाँ पे कुछ कोड ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोल दिया एन इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहाँ पे डाला कि एंटर नेम। ठीक है, हमने क्या डाला? एंटर नेम। ठीक है, रन करते ही एक इनपुट बॉक्स आएगा, उस पर जो नाम लिखेंगे वो एन पे स्टोर हो जाएगा। अब एन क्या है? एन एक वेरिएबल है, सेविंग लोकेशन। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग लेते हैं ना एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड लेते हैं ना, सेम उसी तरह से है। और जैसे मैंने हम लोग क्या करते थे कि यहाँ लिखते कि सपोज एक्स इक्वल टू 100 और मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे देना है एक्स प्लस 10, तो कितना होगा एक्स इक्वल टू कितना होगा सर? 110 होगा ना, हाँ हाँ राइट सर, सेम उसी वो तरह से। एल्जेब्रिक इक्वेशंस बोल रहे हैं ना, हाँ एक्स तो इज ये हमारा, इक्वल हाँ टू वाई इज इक्वल टू, हाँ समझ गया। तो अब जहां जहां अजीत की जरूरत है हटा के हम वहां पे एन कर देते। अब यहां भी अजीत है ना, बट यहाँ जो हम देंगे कॉन्केट करना पड़ेगा एन को, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में देंगे तो क्या होगा, कि एन नाम का ही फाइल बना देगा, इसलिए तोड़ दिया, समझे? अब परफेक्ट है हमारा। अब जैसे इसको एक बार रन करके टेस्ट कर देते हैं, गेट डेटा रन, मुझसे नाम पूछा, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ओ। ओके हो गया।
अब नीचे देख जाइए, ई ड्राइव में देखिए ओम नाम का फाइल बन के आ गया। ठीक है, नाम में कुछ गड़बड़ है सर, कि ओम, अच्छा हमने डॉट लगाना भूल गया। ठीक है, समझ गए। तो हमने क्या किया, हमने कुछ कोड, जो कुछ अनवांटेड कोड को डिलीट किया, कुछ कोड को हमने रिप्लेस किया, चेंज किया, और कुछ कोड हमने जोड़े। तो मतलब कि इतना लंबा कोड तो नहीं लिखना पड़ा ना मुझे सर। और हो सकता है कि मुझे कुछ कोड के बारे में ज्यादा पता भी नहीं हो, लेकिन पढ़ने से पता चल जाता है। जैसे पढ़ने से पता चल गया हमें कि फाइल सेव करने का क्या तरीका है, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज यहाँ पे करते हैं। क्योंकि कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि सर रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से, अगर रिकॉर्डिंग माइक्रो खुद ब खुद माइक्रो बना दे रहा है, तो हम माइक्रो क्यों यूज करें, हम क्यों यूज करें माइक्रो। तो क्वेश्चन ये है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो लिमिटेड जो है आपको माइक्रो बनाता है, ये आपका रिपीटेशन नहीं करता है, ये आपका डायनेमिक नहीं करता है, ये आपका क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी नहीं करता है, कंडीशंस नहीं लगाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। बट इसका यूज हम कर सकते हैं अपने लाइफ में, समझ गए। अब आप सीख रहे हैं, लर्निंग पीरियड में हैं, तो आपके लिए इसका एक बेहतरीन यूज है। जैसे कि मैं आपको जो VBA सिखा रहा हूँ, तो हम VBA के कंसेप्ट और कोडिंग समझ बताऊंगा। अब किस काम का क्या कोड है इसको बताने लगा, कॉपी कैसे करने का कोड क्या है, पेस्ट करने का कोड क्या है, फिल्टर का कोड क्या है, कलर का कोड क्या है, कंडीशन वर्टिंग का कोड क्या है, डिलीट का क्या कोड है, प्रोटेक्ट का क्या कोड है, इस सारे फीचर्स में अगर बताने लगा तो क्या होगा, कोर्स काफी लंबा खिंच जाएगा ना, क्या लग रहा है सर। लेकिन इन सबों के कोड आपको रिकॉर्डिंग माइक्रो में है। जैसे आपको मर्ज करने का कोड नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे रिकॉर्ड करेंगे, एरिया सिलेक्ट करेंगे एंड मर्ज, ठीक है, और फिर जाके आप कोड देख लेंगे कि मर्ज करने का कोड एरा सिलेक्शन डॉट मर्ज, बाकी और चीज ही बनाया इसने तो बताया अनवांटेड लेता, उसमें से कोड अपना देखना है, एरा आपका मर्ज इक्वल टू सिलेक्शन नॉट इक्वल टू मर्ज। अब जो फॉल्स फॉल्स जीरो जीरो आ रहा है तो ये तो अनवांटेड ही है ना सर, समझ गए ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन डॉट मर्ज, तो ऊपर का कोड ये है। अब इसको डिलीट कर लीजिए, कर लिए, डिलीट करने के बाद एक एरिया को सिलेक्ट कीजिए और इसको रन करके देख लीजिए, वर्क कर गया, इसका मतलब ऊपर के बाकी कोड की जरूरत नहीं है, समझे। और जहां दिक्कत होगी, जो समझ में नहीं आएगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या। तो अभी से आपको अभी क्या करना है, एक डायरी निकालनी है मोटी सी, उस डायरी में आपको एक्सेल का कि भाई न्यू फाइल कैसे लेते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, उसका कोड क्या है, उसका कोड आप लिखना शुरू कर दें।